AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लिया टॉपिक मैंने लॉरेंट सीरीज से, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने लॉरेंट सीरीज के बेसिक चीज़ को पढ़ा था, उसका क्या फार्मूला है, कैसे उसके प्रोसीजर को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी। उस पर एक प्रॉब्लम भी किया था, तो उसी से रिलेटेड एक और ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमें बात करनी है। तो आइए हम इस पे थोड़े बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू सॉल्व। दो क्वेश्चन हैं, 5z 7z -2z³ -z² -2z इन द रीजन गिवन बाय दिस। एक रीजन हमें दिया हुआ है, मतलब इसका ये मतलब समझ रहे हैं आप कि हमें जो भी टर्म्स का एक्सपेंशन करना है वो z प्लस वन के टर्म में एक्सपेंशन करना है। नेक्स्ट थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा fz²-1z+2z+3 एंड सो ऑन। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वर्क हेयर। ये देखिएगा दोनों की पावर जो है सेम है, तो पहले हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन की बात कर लें, फिर इस पे बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो स्टूडेंट्स कह रहा है वर्क इज हेयर, तो 7z-2 इसका फैक्टर करना है, z कॉमन है, तो z²-z -2 हो जाएगा। यू कैन सिंप्लीफाई 7z-2 z -2, ठीक है, -2z कर लेंगे, कर लेते हैं, +z-2, ओके। देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, -z आ जाएगा और मल्टीपल करने पर 2। जैसे 7z-2 z -2, और जब यहाँ से 1 कॉमन होगा, इसे z² है तो z+1। अब वर्क एट है कन्वर्ट टू द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन 7z-2 अपॉन z -2 z+1, तो दिस इज a/z प्लस b/z-2 प्लस c/z+1। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको हमें पार्सल फ्रैक्शन में बदलना। तो आप पार्सल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ये आपको पता है, दैट इज़ एवरी वन इज़ नो कि 7z-2 हो जाएगा, बाकी का हम इसमें कर दें तो z-2 z+1 इंटू ए, z-2 इंटू बी एंड प्लस z-2 इंटू सी। दैट इज़ द वर्क। एक एक वैल्यूज़ को पुटअप करके सिंप्लीफाई करते चलाइए। जैसे मैंने पहले लिख दिया कि z=0, तो वाट मिल जाएगा, 0 मतलब यहाँ पे मिलेगा -2, यहाँ पे हो गया -2 इंटू 1 इंटू ए, सो a इज इक्वल टू 1 मिल गया। फिर z=1 रख दीजिए, सॉरी 2 रख दीजिए पहले, ये रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये z+1 मिलेगा, सर ये गया खत्म होगा। तो यहाँ पे z=2 रख देंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ बचेगा ये 2 और 2 3 6, यहाँ पे क्या होगा 14-2=6 बी, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट 2 मतलब b इज इक्वल टू हमें मिल गया 2, एंड z=-1 रख दीजिए तो यहाँ पे मिलेगा -7-2=, जैसे रख देंगे -1 तो क्या क्या 0, ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये, तो -1 × -3, तो -1 और -3 प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये सी, तो c=हो जाएगा -3। तो ए बी सी मिल गया, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस था वो हमने कर लिया, इम्पॉर्टेंट। तो अब इसकी वैल्यूज़ को हम रख दें यहाँ पे, मतलब ये जो वर्क होगा, अब ये जो बदलेगा इस तरह से हो जाएगा a/z, मतलब z इज़ हियर a, a इज़ 1, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 1/z - b = 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/z - 2, और c इज़ 3, तो -3 हो जाएगा अपॉन इज़ हियर z+1। ये वर्कआउट हो गया, कन्वर्ट टू दिस पार्शियल फ्रैक्शन, चेक कर लूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
कि हमारा एक्चुअल में कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया कि हम इसको पार्शल फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस था इसको कर लिया हमने, अब आगे वाले स्टेप को फॉलो करना है। तो आइए, तो अभी हटा देता हूँ मैं, ये तो पार्शल फ्रैक्शन कन्वर्जन हो गया। अब जो वर्कआउट है ये देखना है आपको, पहला कह रहा है कि हमें जेड प्लस वन में एक्सपेंशन करना है, मतलब सभी टर्म में जेड प्लस वन होना चाहिए, विदाउट उसके वर्कआउट नहीं करना है, सभी टर्म में क्या होना चाहिए, जेड प्लस वन। तो ये तो जेड प्लस वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन दोनों में जेड प्लस वन नहीं है तो हमें इसको जेड प्लस वन में बदलना है। तो वन अपॉन यहाँ पे क्या होगा, वन को जोड़ेंगे वन को माइनस करेंगे, तो जेड प्लस वन माइनस वन प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन, एक जोड़ दिया घटा दिया माइनस थ्री मिल जाएगा, और माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, नो प्रॉब्लम। ये तो इनिशियल एक्चुअल में हमारी कंडीशंस हो गई, ये हमारा बन गया, इसको मान लीजिए दिस इज वन, क्योंकि सभी को इसी फॉर्म में बदलना है तो इसलिए हम इसको वन मान ले रहे हैं। अब क्या सोचना है, इस बाउंड्री पे आना है। तो पहला कह रहा है कि जो है मॉड जेड प्लस वन जो है वो लेस देन किससे है, वन से। तो अगर ये वन से छोटा है तो टू से भी छोटा होगा, हमारी बात थ्री से भी छोटा होगा, यहाँ पे थ्री है तो ये जो होगा जेड प्लस वन जो है वो थ्री से भी छोटा हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इज लेस देन वन, इस तरह से वर्कआउट होगा बाकी के एडिटिस। तो अब इसमें भी अरेंजमेंट करना है, तो आए तो इसमें से हम माइनस वन कॉमन कर लेंगे और इसको वन माइनस वाले सेंस में बदल देंगे, तो माइनस कॉमन कर देंगे तो वही मिल जाएगा हमें वन प्लस सॉरी वन माइनस जेड, यहाँ पे मिलेगा वन माइनस जेड प्लस वन, ठीक मिल गया। यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन कर देंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा, यहाँ पे टू है तो दिस इज टू बाई थ्री हो जाएगा, वन अपॉन मिल जाएगा वन माइनस जेड प्लस वन बाई थ्री, ठीक। और ये तो एडिटिज रहेगा, ठीक है। नाउ एक्सपेंड इट, और इसको न्यूमरेटर में ले आकर के वन माइनस अरे वन माइनस इसको न्यूमरेटर एस पावर माइनस वन माइनस टू बाई थ्री वन माइनस जेड प्लस वन बाई थ्री एस पावर माइनस वन और माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, ये एटिटीज रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना हमें। अब इसको सिर्फ ओपन कर दीजिए, दैट इज आंसर, वन प्लस जेड प्लस वन हो जाएगा, फिर प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी ये माइनस है तो प्लस में मिल जाएगा। अब टू इनफाइनाइट माइनस टू बाई थ्री वन माइनस जेड प्लस वन बाई थ्री प्लस जेड प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर अब टू इनफाइनाइट, और ये लास्ट वाला टर्म्स, तो यही वर्क है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लीजिए, दैट इज़ योर आंसर। तो ये जो है यही हमारा लॉजिकल यहाँ पे वर्कआउट है इसको करने का, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन है, चाहे तो इसको हम एन टर्म्स में लिखना चाहें तो एन टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लीजिए, कहाँ लिखूँ, ये वर्कआउट है, इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, समझ में आ रही बात। तो ठीक है, ये इसको हम समेशन में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं यहाँ से ऐसा लिख दे रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा हमारा समेशन n इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटीज जेड प्लस वन रेस पावर n, और कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है इसमें। ये माइनस टू बाई थ्री समेशन n इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक, और फिर तो माइनस वन रेस टू एन जेड प्लस वन बाई थ्री रेस पावर एन, ठीक ये मिल गया। और लास्ट वाला तो एडिटिज रहेगा, माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिकली इस तरह से इसको हम ब्रेक कर लेंगे, आइए।
ठीक। अब ये जो वर्कआउट है इस वाले के लिए हम बात करते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है ये कि मॉड वन लेस देन जेड प्लस वन और लेस देन थ्री। तो पहला तो जेड प्लस वन में बदला हुआ है ऑलरेडी हमने, तो ये अब जो वर्कआउट होगा इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो जो बनेगा वन अपॉन जेड प्लस वन लेस देन सॉरी लेस देन वन, एंड नेक्स्ट ये बन जाएगा मॉड जेड प्लस वन बाय थ्री लेस देन वन, ये सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, तो ये तो इसको हमने ब्रेक किया हुआ है, जेड प्लस वन माइनस वन है, माइनस प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन माइनस थ्री है। ठीक है, इस वाला सीक्वेंस, और ये थ्री अपॉन जेड प्लस वन, इसमें तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं क्योंकि सभी को जेड प्लस वन में ऑलरेडी हम बदल चुके हैं, ये हो गया। तो इसी फॉर्मेट में अब इसको एक्सपेंड कर देना है। तो पहला, अब अगर कहीं है तो ठीक है, ये तो एंटिटीज़ है क्योंकि यहाँ जेड प्लस वन है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये एंटिटीज़ रहेगा। अब सिर्फ वर्क किसी दोनों में करना है हमें, तो इसमें से दूसरे जिसमें से जेड प्लस वन और थ्री है उसमें से थ्री को कॉमन लेना है, इसमें से वन को कॉमन लेना है, सॉरी इसमें भी जेड प्लस वन को ही कॉमन लेना है। ठीक है, दोनों, तो दिस इज एफ जेड, तो माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन को पहले लिख देता हूँ प्लस। अब इसमें से हमें जेड प्लस वन को कॉमन कर लेना है, तो ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, और इसमें से थ्री को कॉमन लेना है, अरे तो माइनस टू बाय थ्री, माइनस थ्री को कॉमन लिया तो माइनस टू बाय थ्री, यहाँ पे थ्री है ध्यान रखिएगा, थ्री कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा वन अपॉन वन माइनस जेड प्लस वन बाई थ्री, ये बन जाएगा लॉजिकली। ठीक है, क्योंकि ये जेड प्लस वन बाई थ्री है, तो अब आगे का एक्सपेंशन आप खुद ही कर सकते हैं, थ्री अपॉन जेड प्लस वन तो ये एडिटिज है, और प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए, वन अपॉन जेड प्लस वन माइनस टू बाई थ्री, वन माइनस जेड प्लस वन बाई थ्री प्लस पावर माइनस वन, ओपन एंड सिंप्लीफाई, सिंपल। तो यही है हमारा वर्कआउट स्टूडेंट, कि हमें करना क्या है, माइनस थ्री अपॉन जेड प्लस वन, ठीक, एंड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन इन साइड, यहाँ माइनस तो प्लस मिलेगा, वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, एंड माइनस टू बाई थ्री वन प्लस जेड प्लस वन बाई थ्री एंड प्लस जेड प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर टू इनफाइनाइट, दैट इज द लॉजिकल। ठीक है, अब इसको एंड टर्म्स में लिख लीजिए, देन यू कैन वी गुड द आंसर। ठीक, तो एफ ऑफ जेड, ठीक, एफ ऑफ जेड है माइनस थ्री बाई जेड प्लस वन प्लस, इसको ओपन कर देंगे तो ये जेड प्लस वन का होल स्क्वायर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम समेशन में लिख दे रहा हूँ, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटीज वन अपॉन जेड प्लस वन रेस पावर एन, ठीक, एन प्लस वन दे मिल जाएगा क्योंकि एक एक पावर बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, माइनस टू बाई थ्री समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और ये है सब पॉजिटिव है फिर से, तो जेड प्लस वन बाई थ्री रेस पावर एन हो गया। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से इस सारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हम कर पाएंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन लिया था उसको कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड प्लस टू
एंड जेड प्लस थ्री, ये तो समझिएगा इसको, ध्यान रखना है। ये देखिए दैट इज अ स्टूडेंट कि यहाँ पावर दोनों सेम है, तो सबसे पहले तो आपको डिवीजन करना है, क्योंकि बिना डिवीजन के हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल्स ही है टर्म्स के कि अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड कैसे करते हैं, जेड स्क्वायर माइनस वन है कर दीजिए, इसका मल्टीपल अगर हम करेंगे तो ये मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स वन, तो जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स माइनस कर दिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस फाइव जेड और माइनस माइनस सेवन, ठीक है ये मिल जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस, ठीक है फाइव जेड माइनस सेवन अपॉन जेड प्लस टू एंड जेड प्लस थ्री, ये वर्कआउट हमारा हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये हो गया, जिसको चाहे तो वन आप ऐसे लिख सकते हैं फाइव जेड प्लस सेवन बाई जेड प्लस टू एंड जेड प्लस थ्री। तो पार्सल फ्रैक्शन में फिर से वही वर्कआउट है कि पार्सल फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फिर उसके बाद वन बाई टू एक्सपेंशन कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिकली है कि हमको इसको पार्सल फ्रैक्शन में बदलने के बाद ही आगे का वर्कआउट करना है, इसको पार्सल फ्रैक्शन बदलना है। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसको चाहें तो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ जो एक्चुअल में है इसका पार्सल फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये जो मिल जाएगा हमें वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू मिल जाएगा और माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री मिल जाएगा, ये है इसका पार्सल फ्रैक्शन। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, थ्री जेड प्लस नाइन होगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा एट माइनस एट जेड, ठीक है तो हो गया फाइव जेड सिक्सटी सेवन हो गया, ये कन्वर्जन हो गया पार्सल फ्रैक्शन में। तो आप कर लीजिएगा जैसे करना है हमें, ए अपॉन समी करके ए वर्कआउट। तो दिस इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री। तब इसकी पहली बाउंड्री कंडीशन पे आ जाते हैं। तो पहला बाउंड्री कंडीशन जो हमने लिखा हुआ है कि मॉड जेड लेस देन टू, ठीक है यदि यह टू से छोटा है, जो मॉड जेड है वो टू से छोटा है तो क्या होगा, ये तीन से भी छोटा हो जाएगा, मतलब इस ईयर की मॉड जेड बाई टू लेस देन वन, और ये हो जाएगा मॉड जेड लेस देन थ्री, दिस इज़ मॉड ऑफ जेड बाई थ्री लेस देन वन, ये तो दोनों से होगा, यही समझना था हमें, ये टू से छोटा है तो वन से भी छोटा होगा, सॉरी टू से छोटा, ये टू से छोटा है तो तीन से भी छोटा हो जाएगा। तब इसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लेना है और आगे के वर्कआउट को करना है। एफ जेड वन प्लस, तो अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, हम टू कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, और इसको हम कर लेंगे तो वन प्लस जेड बाई टू रस पावर माइनस वन, और इसमें से थ्री कॉमन कर देंगे, टेन बाई थ्री हो जाएगा वन प्लस जेड बाई थ्री रेस पावर माइनस वन। अब ओपन कर दीजिए और लिख लीजिए जेड बाई टू, तो यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा जेड बाई टू का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट माइनस एट बाई थ्री, ठीक है वन माइनस जेड बाई थ्री और प्लस जेड बाई थ्री का स्क्वायर माइनस अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया। अब इसी को चाहें तो आप एन टर्म्स में लिख लीजिए और वर्कआउट कर लीजिए। तो एफ जेड मिल जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और वन चाहिए तो माइनस वन रेस टू एन पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ हो जाएगा माइन जेड बाई टू, और यहाँ हो जाएगा सिंपल, पहला वन चाहिए तो मतलब ही सिंपल है, वन जीरो रख दीजिए तो वन मिलना पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ऐसे मिलना चाहिए,
माइनस एट बाई थ्री समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटीज, तो माइनस वन पावर एन और फिर यहाँ पे एट बाई थ्री पावर एन हो गया, दैट इज एक्सपेंशन। तो ये है इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करना और सीरीज को फिर ये वाले सीरीज में इस फॉर्म में लिख देना, दैट इज अ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, आइए दूसरी बाउंड्री पे आ जाते हैं। जो दूसरा बाउंड्री दिया हुआ है वो क्या है हमारा, टू लेस देन, ठीक है, टू लेस देन मॉड जेड लेस देन थ्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वर्कआउट वही स्टूडेंट, ये जो है इन दोनों को लेना है, तो 2 लेस देन मॉड z इम्प्लाइज दैट 2 बाय z लेस देन 1, यहाँ पे मॉड z लेस देन 3, तो मॉड z अपॉन 3 लेस देन 1। तो अब ये चीज़ समझनी है कि किसमें से कौन सा कॉमन लेना है, इस वाले टर्म से मेरे को क्या कॉमन लेना है, z कॉमन लेना है क्योंकि 2 बाय z चाहिए, इस वाले से क्या कॉमन लेना है, हमें थ्री कॉमन लेना है क्योंकि हमें z बाई थ्री चाहिए, सिंपल सा, तो जो बड़ा है उसको कॉमन लेना है लॉजिकली। तो आइए एफ जेड वन प्लस थ्री, इसमें से हम तो क्या कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे, तो वन प्लस टू बाई जेड, इसमें से एट बाई थ्री कॉमन ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा वन अपॉन वन प्लस जेड बाय थ्री, ये मिल गया। अब इसी को एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करके आंसर लिखा जा सकता है, वन प्लस टू बाय जेड रस पावर माइनस वन माइनस एट बाय थ्री, वन प्लस जेड बाय थ्री रस पावर माइनस वन, एक्सपेंड इट। इनफाइनाइट माइनस एट बाई थ्री वन प्लस यानी वन माइनस जेड बाई थ्री प्लस जेड बाई थ्री का स्क्वायर इनफाइनाइट। अब इसको सीरीज में, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर आगे का वर्क कर लेंगे। थ्री को तो रहने देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, वन माइनस टू बाई जेड स्क्वायर मिल जाएगा प्लस टू पावर टू जेड क्यू मिलेगा, माइनस टू क्यू मिल जाएगा तो जेड पावर फोर मिल जाएगा, अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस एट बाई थ्री, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंजेज होंगे, दिस इज वन प्लस थ्री समेशन जीरो टू इन्फिनिटीज माइनस वन रेस टू एन, बट यहाँ पे होगा टू पावर एन अपॉन जेड रेस टू एन प्लस वन, जैसे जीरो रखेंगे तो पहला टर्म्स मिलना चाहिए हमें, यहाँ पे गलत हो गया, दिस इज जेड रहेगा, तो पहला टर्म्स मिलना चाहिए वन, देख लियो ये वन के वन अभी जेड वन बाई जेड, फिर इसके बाद वन रखेंगे तो माइनस फिर टू जेड इस वन, ठीक, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटीज माइनस वन रेस टू एन जेड बाई थ्री प्लस फोर, तो ये हो गया कन्वर्जन। तो बाकी के जो थर्ड बाउंड्री थी उसको आप इसी तरह से फिर से इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई करिए। तो ये टोटल हमारा लॉरेंट सीरीज के प्रॉब्लम्स के मेथड हैं, इनको कैसे करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। बाकी के वर्कआउट हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर मेन भी अगर कोई रिक्वायर्ड्स होगी तो आप बताएंगे, मैं ज़रूर इस पर और क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूँ। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।